ट्रांसफॉर्मर 7 में टेरा कॉन्सर मैक्सिमल्स को लाइव एक्शन सीरीज में लाया गया है। आगे देखेंगे कि कौन से बीस्ट वॉर ट्रांसफॉर्मर्स इस मूवी में दिखेंगे। कई वक्त से बीस्ट वॉर के कैरेक्टर्स का इंतजार हम फैंस कर रहे थे, जो गाड़ी की जगह जानवरों में ट्रांसफॉर्म होते। ट्रेलर भी आ चुका है जिसमें लगभग मूवी में दिखने वाले सभी ट्रांसफॉर्मर्स की झलक हमें दिख चुकी है। ओरिजिनल ट्रांसफॉर्मर मूवी में ऑटोबॉट्स ऑप्टिमस प्राइम और बंबलबी को सेंटर स्टेज दिया गया था। अलग अलग फेमस ऑटोबॉट्स और डिसेप्टिकॉन्स मूवीज में आते जाते रहे हैं। ट्रांसफॉर्मर के फोर्थ और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में हमें डायनोबॉट्स भी दिखे। हमेशा की तरह कुछ ह्यूमन किरदार भी इस मूवी में मेन रोल प्ले करेंगे। और ये सभी कौन से ट्रांसफॉर्मर से मिलेंगे या फिर भिड़ेंगे, चलिए देखते हैं। I'm not the one to fear, Prime. There is a darkness coming. हर बार की तरह ऑप्टिमस प्राइम इस मूवी का भी हीरो होगा। बम्बलबी मूवी में दिखा ऑप्टिमस प्राइम का जीवन डिजाइन को इस मूवी में कंटिन्यू किया गया है। साइबरट्रॉन वार के तुरंत बाद ऑप्टिमस प्राइम बम्बलबी मूवी के आखिर में पृथ्वी पर आ जाता है। सेवन पार्ट की स्टोरी 1994 में सिचुएटेड है। ऑप्टिमस प्राइम हर बार की तरह इस बार भी पृथ्वी को इविल ट्रांसफॉर्मर से जरूर बचाएगा। I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. Optimus के बाद एक और मेन किरदार है जो मूवी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, और वो कोई और नहीं बल्कि मैक्सिमल्स का लीडर ऑप्टिमस प्राइमल है। प्राइमल ऑप्टिमस प्राइम का ही वंशज है, जिसमें मैक्सिमल्स को मेगाट्रॉन के पेडाकॉन्स के खिलाफ लीड किया था। इस युद्ध को बीस्ट वॉर कहा गया है। प्राइमल किसी गाड़ी नहीं बल्कि एक गोरिल्ला में ट्रांसफॉर्म होता है। बीस्ट वॉर के सभी किरदार किसी न किसी जानवर के अवतार में ट्रांसफॉर्म होते हैं। हमारा लाडला बम्बलबी भी इस मूवी में दिखने वाला है। ऑप्टिमस प्राइम के बाद बम्बलबी है जो ट्रांसफॉर्मर के हर लाइव एक्शन एडेप्टेशन में दिखा है, और बम्बलबी के स्टैंड अलोन मूवी के साथ इस फ्रेंचाइजी को सॉफ्ट रिबूट किया गया था। बम्बलबी अपने आइकॉनिक ब्लैक और येलो कैमेरो लुक में हमें इस मूवी में दिखने वाला है। इस बार मूवी का ह्यूमन प्रोटैगनिस्ट बम्बलबी के साथ बॉन्ड नहीं होगा, जो काफी फैंस के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। पर एक तरह से ये डिसीजन बम्बलबी के किरदार के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है, क्योंकि हर मूवी में नए ह्यूमन से बॉन्ड हो जाना बम्बलबी के पिछले रिश्तों की अहमियत को कम कर देता है। तो सेक्सी पोर्शे इस ट्रेलर में दिखी वो कोई और नहीं बल्कि पिछली बार ट्रांसफॉर्मर डार्क ऑफ द मून में दिखा ऑटोबॉट मिराज है। मिराज पिछली बार फेरारी बना था, और इस बार वो पोर्शे 911 बना है। इस मूवी का डिजाइन मिराज के जीवन डिजाइन से उठाया हुआ है। मिराज मूवी के ह्यूमन हीरो नो के साथ दिखेगा। मिराज की ओरिजिनल गायब होने की पावर भी हमें ट्रेलर में दिखी, जिसकी मदद से वो अपनी अलग अलग इल्यूजन बना पाता है। फीमेल ऑटोबॉट आरकी ने तो सभी के दिल की तार तोड़ दी। आरकी को कुछ वक्त के लिए रिवेंज ऑफ द फॉलन में हमने देखा था, जिसके बाद बम्बलबी में और साइबरट्रॉन के युद्ध में दिखी। इसी के बाद शायद ऑप्टिमस के साथ वो पृथ्वी पर आई होंगी। आरकी अपने मोटरसाइकिल के लुक के लिए जानी जाती है। इस बार वो डुकाटी 916 बनी है, जिसकी कीमत देखकर मुझे ही नहीं आपको भी चक्कर आ जाएगा। मैं तो इस बार टीम आरकी में हूँ। आप किसके टीम में हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नाइटबर्ड एक नया किरदार है जिसे इस मूवी के लिए लाया गया है। इस ट्रांसफॉर्मर के मिथोलॉजी में अलग अलग इटरेशन दिखे। इस मूवी में नाइटबर्ड फीमेल निंजा रोबोट के रूप में दिखने वाली है। मूवी में यह बला बहुत जुम ढाने वाली है। ओरिजिनल मिथोलॉजी में नाइटबर्ड को इंसानों ने बनाया था, पर यहाँ कुछ अलग ओरिजिन का इस्तेमाल किया गया है। शुरुआत में ऑटोबॉट्स के साथ मस्ती कर वो टीम चेंज कर टेराकॉन्स के साथ चली जाएंगी, जहाँ नाइटबर्ड मेन विलन की राइट हैंड बनेगी। जहाँ तक राइज ऑफ द बीस्ट के मेन विलन की बात है, तो यह जिम्मेदारी स्कॉर्च को दी गई है। स्कॉर्च एक डिसेप्टिकॉन है जिसे यूनिकॉर्न ने मरे हुए डिसेप्टिकॉन के बॉडी से बनाया था। ये बंदा शुरुआत में गैलोट्रॉन के लिए काम करता है, और फिर आगे जाके बहुत पावरफुल बन भी जाता है। यहाँ स्कॉर्च के ओरिजिन और रोल को बदल दिया गया है। स्कॉर्च टेराकॉन्स के लीडर के रूप में दिखेगा, जिसे पीटर डिंकलेज ने आवाज दी है। स्कॉर्च का एनिमल अवतार देखने में बहुत मजा आएगा। पहले ट्रेलर में ये रिवील नहीं किया गया, जिसका मतलब कुछ तगड़ा यहाँ होने वाला है। एक और मैक्सिमल है जिसे देखकर मुझे बहुत मजा आए, जिसे इस मूवी में धमाकेदार मिशेल यो प्ले कर रही है, और वो कोई और नहीं बल्कि है एरोजोर। एरोजोर एक पंछी में ट्रांसफॉर्म कर मैक्सिमल के लिए सर्वेलेंस का काम करती है। एरोजोर मैक्सिमल के कोर टीम में से एक है, जो इस मूवी के ट्रेलर में हमें देखने को मिला। चितौर और राइनॉक्स भी हमें इस मूवी के ट्रेलर में दिखे। चितौर ट्रेलर में बम्बलबी के साथ दौड़ता भी दिखा। चितौर और राइनॉक्स दोनों मैक्सिमल्स के टीम का हिस्सा है, जो कोर टीम के मेंबर्स भी है। चितौर के नाम से ही समझ में आता है कि वह चीता के फॉर्म में दिखता है, और राइनॉक्स एक गेंडे के। इन सभी के अलावा कुछ और ट्रांसफॉर्मर है जो मूवी का हिस्सा होंगे, पर इनका इतना बड़ा रोल नहीं होगा। बैटल जैक और विल्ट्रैप इस मूवी में दिखने वाले। अब तक मेगाट्रॉन के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है, जो हम सभी के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। पर मुझे लगता है कि मेगाट्रॉन का थोड़ा बहुत तो रोल यहाँ हमें जरूर देखने मिलेगा। आप किस किरदार के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।